हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रिकॉर्ड करेंगे अ डे इन माय लाइफ एज अ डेंटिस्ट। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है जिसे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। जनरली मैं हमेशा कैप्शन से लिखती हूँ, तो मैं सोचा क्यों नहीं कुछ नया ट्राई किया जाए, इसलिए मैं अभी ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगे। मेरी स्किन ऑयली एक्टिव प्रोन स्किन है, तो मुझे लगता है स्किन प्रेफरेंस देना मेरा मेन प्रायोरिटी है फिलहाल तो, क्योंकि कभी भी ब्रेकआउट्स हो जाते हैं इसका मुझे हमेशा कॉफ होता है, कहीं मैं ऐसे पिंपल लेके क्लिनिक ना चली जाऊँ। तो इसलिए मैं सुबह उठते जब भी ब्रश करती हूँ तो हमेशा स्किन केयर तो जल्दी से कम्प्लीट करती हूँ, ताकि मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँ चीज़ों से। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, मेरे घर में अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इस वजह से थोड़ा नॉइज़ हो रहा है। रेनी सीज़न तो मेरा फेवरेट है, मैं हमेशा बारिश का वेट करती हूँ। मुझे वो उस टाइम में वेदर, प्लांट्स, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, जो अलग से एक ग्रीनरी देखने को मिलता है। और मुझे लगता है रेनी सीज़न एक बहाना है चाय पीने का, क्योंकि मैं चाय एडिक्ट हूँ। जब भी बारिश होती है मैं सोचती हूँ क्यों नहीं बारिश के बहाने चाय पीने बैठ जाऊँ। मैं पीजी में रहती हूँ, तो ये मेरा बेड है, इसको मैंने काफ़ी अच्छे से क्लीन कर रखा है। जनरली इतना क्लीन होता नहीं है, तो मैंने सोचा यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करना है तो थोड़ा क्लीन कर दिया जाए। मेरी आदत है कि जब भी मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ जरूर देखती रहती हूँ, क्योंकि अकेले मैं ब्रेकफास्ट कर ही नहीं सकती। इसलिए मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा या डोरेमोन या फ्रेंड्स कुछ ना कुछ देखती रहती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है इसको देखने में, और शायद जल्दी ब्रेकफास्ट भी ख़त्म हो जाता है या देर से। जब भी कोई स्पेशल ओकेज़न होता है मैं कोशिश करती हूँ जाता है अपना फेवरेट कलर पहनूँ, जो मेरा पिंक है या पीच, मैं मोस्टली यही पहनती हूँ। आज मुझे रिकॉर्ड करना था तो इसलिए मैं सोचा क्यों नहीं नई कुर्ती ट्राई करती हूँ, जो कि मैंने इसे लाजपत से लिया था और मुझे बहुत प्यारा लगा था, शॉर्ट एंड सिंपल, और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं जा रही हूँ अपने क्लिनिक, अभी मैं अपनी दी के साथ जा रही हूँ। ऐसे जनरली मैं रिकॉर्ड करवाती हूँ मेट्रो, मैंने दी को बोला प्लीज़ आज रिकॉर्ड करें, मुझे बहुत मन था मेट्रो के पास अपना वीडियो रिकॉर्ड करवाने को। मेरी सिस्टर भी डेंटिस्ट है, तो हम दोनों अपने अपने क्लिनिक पे जॉब के लिए जाए थे। तो आज इतनी बारिश हो रही है, मुझे उम्मीद है पेशेंट ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि मोस्टली बारिश में पेशेंट थोड़े कम हो जाते हैं, पेशेंट फ्लो कम रहता है। तो अभी देखती हूँ कितने सारे पेशेंट रहते हैं, फिर मैं आपको अपना काम दिखाती हूँ, मैं जनरली कैसे काम करती हूँ, डेंटल वर्क कैसे होता है, बहुत लोगों को इंटरेस्ट होता है जानने का, तो आज मैं दिखाती हूँ। इस पेशेंट का मेन कंसर्न था आगे का फ्रंट टूथ गिर चुका था, बहुत पहले उन्होंने एक्सट्रैक्शन करवा रखा था, तो उन्हें ब्रिज लगवाना था। तो ब्रिज के लिए हमें अगल बगल के दांतों को थोड़ा ट्रिम करना था, छोटे करने होते साइज़ में, ताकि उनके सपोर्ट लेके हम वहाँ पे एक दांत लगाएं। तो उसके लिए मैंने उनके दांतों के छोटे छोटे साइजेस करे, 2.5 mm तक हम लोग थोड़ी कटिंग करते दांतों का, फिर हम उनके सपोर्ट लेके वहाँ पे ब्रिज लगा। ये मैं आर्ट सिटी का एक केस कर रही हूँ जिसमें हम मसाले भरते थे, ठीक है ऐसे ही एक्सरे में दिखता, तो ये मैंने रिकॉर्ड किया था दिखाने के लिए कि हम मसाले जिसको ऑब्चुरेशन बोलते हैं कैसा होता है जनरली। ये एक मैंने पेशेंट का एक्सट्रैक्शन किया, अपर लोअर उनके ऑर्थो ट्रीटमेंट चल रहा था, कहीं पर स्पेसिंग के लिए हमें दांतों को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, तो मैंने वही अपर और लोअर ट्रीटमेंट एक एक एक्सट्रैक्ट करा। ये मेरी क्यूट पेशेंट है, इसके दांतों में बहुत दर्द था, तो यही दिखाने क्योंकि इसके पापा परेशान थे, बहुत टाइम से चॉकलेट खाती है, इसको हमेशा दर्द होता है, तो मैंने उसके लिए दवाइयाँ रिकमेंड करी। बस आज का इतना ही क्लिनिकल वर्क था, और अब मैं आ चुकी हूँ घर, और फिर बारिश हो रही थी इसलिए मैं सोचा क्यों ना चाय के साथ बिस्किट खाया जाए और कोरियन ड्रामा देखा जाए। आजकल मैं इस ड्रामा के साथ ऑब्सेस्ड हूँ, ये प्राइम पे आता है, सीरीज़ का नाम है नो गेन नो लव, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। मुझे ये एक्ट्रेस का काफ़ी टाइम से, मैं बहुत सारे पहले भी सीरीज़ देख रखी थी, ओ माय वीनस और भी देखा था मैंने, जो मैंने सोचा एक बार दोबारा उसका ट्राई करती हूँ देखना, जो कि बहुत अच्छा है। ये फेक मैरिज पे बेस्ड है और फनी भी है। अगर आप लोगों को रोम कॉम सीरीज़ पसंद है तो ये ज़रूर देखना, मैं डेफ़िनेटली इसको सजेस्ट करूँगी, क्योंकि बहुत अच्छा है और मुझे रोम कॉम सीरीज़ देखने का बहुत शौक है, तो मैं हमेशा देखती रहती ये सारी चीज़ें, तो ये बहुत अच्छा है कि अमेज़न प्राइम पे अवेलेबल है, आप लोग ज़रूर देखना। ये हमेशा मंडे और ट्यूज़डे ही अपलोड होते हैं, ट्राई।